30 घंटे की हड़ताल के दौरान एयर इंडिया की उड़ानें रद्द होने से दूसरी एयरलाइंस की चांदी हो गई। यात्रियों की शिकायत थी कि निजी एयरलाइंस ने महंगे टिकट बेचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुब्बा परिवार कई घंटों से फंसा हुआ है। परिवार के 6 सदस्यों को एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाना था जो रद्द हो गई। बड़ी मुश्किल से इन्हें गो एयर में जगह मिली, लेकिन 2.5 गुना ज्यादा कीमत पर, लिहाजा इन्हें रात की टिकट लेनी पड़ी जो थोड़ी कम महंगी थी। फेयर इतना हाई कर दिया और हम इतने बड़े फैमिली हैं, इसके लिए हमको अभी इतना पूरा सुबह से आए हम 6:30 बजे और अभी हमको रात को 10 बजे की फ्लाइट में जाना पड़ रहा है। बिकॉज एयर इंडिया की उड़ानें रद्द होने से सबसे ज्यादा फायदा जेट और किंगफिशर एयरलाइंस को हुआ है। एयर इंडिया के मुताबिक मंगलवार को उसके लगभग 4,000 यात्रियों को प्राइवेट एयरलाइंस का रुख करना पड़ा। जानकारों के मुताबिक विमानों का किराया पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होता है, यानी कम सीटें तो ज्यादा किराया। अगर एयर सीट्स कम हो जाएंगी और डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली उसी सीट के लिए लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे। तो कोई भी बिजनेसमैन को अगर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो कम पैसे में क्यों अभी सीट बेचेगा। गर्मी की छुट्टियों की वजह से सभी एयरलाइंस पहले से ही लगभग फुल जा रही थी। एयर इंडिया कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब इनमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ऐसे में डिमांड और सप्लाई का गैप पूरा करने के लिए रेलवे ने भी दिल्ली और मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया था। विनोद अग्रहरी, जी न्यूज़, दिल्ली।